हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गुजराती डिश खांडवी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, खांडवी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। 1 कप दही लिया है, 1 कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, राई ली है, हल्दी ली है और ये कच्चे नारियल को ग्रेट कर लिया है, किसा हुआ नारियल लिया है, करी पत्ता ली है, 1 इंच अदरक ली है और 1 हरी मिर्च ली है। हम ये सब सामान मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने दही डाला, बेसन डाला, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी और मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी। मैंने पानी ऐड कर लिया है, इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल के मैं मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लूंगी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसको छान लूंगी। मैंने डायरेक्ट इसको पैन में छान लिया है। अब हम इसको गैस पे कंटिन्यू गर्म करेंगे। देखिए, मैंने गैस ऑन कर दी है और हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाऊंगी। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, कढ़ाई पैन छोड़ने नहीं लगेगा, तब तक मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूंगी। और इसको चलाना ही है कंटिन्यू, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। हमारा बैटर गाढ़ा होने लगा है, अभी मैं इसको कंटिन्यू और पकाऊंगी। देखिए, एकदम बढ़िया हो रहा है, न लम्स आए हैं, कुछ भी नहीं आया है इसमें, एकदम चिकना बैटर बन गया है मेरा। अब मैं इसको कंटिन्यू चलाऊंगी, फिर मैं एक स्पून पे रख के इसको देखूंगी कि ये स्पून से बाहर निकल रहा है कि नहीं। ये देखिए, अब हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है ये। अब मैं एक स्पून पे इसको रख के बताऊंगी, ये छूटने लगा है ठंडा होने पे। ये देखिए, ऐसे ऐसे स्पून से निकलने लगा है अच्छे से। अब हम इसमें एक थाली में घी लगा के इसको पतला पतला उसमें फैलाएंगे। थाली ली है, इसको मैंने उल्टा कर लिया है, इस पे घी लगा लिया। अब मैं इसको पतला पतला एकदम इससे फैलाऊंगा। हमारा अच्छे से स्प्रेड हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसको पतले पतले लाइंस में काट लेंगे, काट के फिर इसके रोल्स बना लेंगे।
ये देखिए कितने आराम से ये कट रहा है। अब मैं इसका एक रोल बना के बताऊंगी आपको, कितना इजी देखिए रोल हो रहा है। ये देखिए तब पतला और इजी। ये देखिए कितना अच्छा रोल हुआ है, एकदम परफेक्ट रोल हुआ है। इसी तरीके से हम सारे रोल रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी खांडवी बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो चलिए हम इसके लिए छौंक बनाते हैं। मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है, इसमें मैं राई डालूंगी, करी पत्ता डालूंगी, हम इसको ऑफ कर देंगे। ये छौंक रेडी हो गया है। इसको गार्निश करूंगी। थोड़ा सा मैंने नारियल लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है, इसको डालूंगी ऊपर से। और ये राई और करी पत्ता का जो छौंक बनाया है वो डालूंगी थोड़ा थोड़ा सा। कितनी यमी लग रही है देखने में। ये देखिए हमारी खांडवी बनके एकदम रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। कितनी यमी लग रही है, एकदम पतले पतले इसके रोल हैं, थिन थिन। मैंने बहुत इजी वे वे में बताया है इसको, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी खांडवी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।